सुनाया जा रहा है, इसी सिलसिले में यहाँ भी एक कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में कुछ विस्तार से। आज सच पूछें तो जम्मू कश्मीर रियासत बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 26 अक्टूबर आज के दिन महाराजा हरि सिंह जी ने इस रियासत का हिंदुस्तान के साथ विलय किया था, जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर रियासत हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट बनी है। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, लोग भूल ना जाएं, इसलिए ये दिन मनाने पड़ते हैं और लोगों को ये बताना पड़ता है कि यह रियासत कैसे बची, किसने बचाई और कैसे इसका विलय हुआ। इसको बचाने वाले थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, वो डोगरा वीर जो वीरगति को प्राप्त हुआ 26-27 की रात को, लेकिन उसने 10,000 पाकिस्तानी ट्राइबल्स को मुजफ्फराबाद से लेकर श्रीनगर तक नहीं पहुंचने दी। पाकिस्तान ने उनको, जनरल अकबर खान ने टारगेट दिया था कि 24 तारीख तक श्रीनगर एयरपोर्ट कब्जा होना चाहिए और 24 की ईद श्रीनगर मनाई जाएगी और झंडा चढ़ाया जाएगा और पाकिस्तान के साथ विलय अनाउंस किया जाएगा। ये किसने रोका? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। 24 तारीख तो उसने मोहरा भी नहीं पहुंचने दिया, उनको कुड़ी का पुल उड़ा दिया और वो ये थर्मापली की लड़ाई जो बड़ी मशहूर 480 BC की मानते हैं, उसकी तरह पाकिस्तान का हमला विफल हो गया। वो हवाई जहाज ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाए, तक हमारी इंडियन आर्मी 27 को सुबह लैंड करके पहुंच गई बारामूला। अफसोस यह है कि वो एक दिन लेट हो गई, वो माउंटबेटन साहब ने लेट करवाया, इसलिए लेट करवाया कि पाकिस्तान की आर्मी श्रीनगर एक दिन पहले पहुंच जाए। सर, जिस तरह से बात की जाती है विलय दिवस की, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हमारे स्टेट की जो हैं वो इस विलय को नहीं मानती हैं, वो कहती हैं कि विलय नहीं हुआ है, ये असंवैधानिक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है, वो तो बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन सारी रियासतों की तरह एक ही इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन था, जो बाकी रियासतों ने साइन किया वही महाराजा हरि सिंह ने किया, लफज बन लफज, और 26 तारीख के उनके दस्तखत हैं। 26 तारीख से पूरी इंडियन आर्मी ने ये टेक ओवर कर ली रियासत की फौज, 26 तारीख से विले कंप्लीट है, सही से नहीं, 26 से कंप्लीट है, क्योंकि 26 की रात को भी वीर राजेंद्र सिंह भी शहीद हुए, तो इसमें कोई शक नहीं। वो जो मर्जी कहते रहे, कुछ हमने भी गलतियां की हैं, जाके इंडियन यूएनओ में चले गए, जरूरत ही नहीं थी, पर वो हमारी गलतियाँ थी उस वक्त। धन्यवाद सर। कोई सवाल पैदा नहीं होते, विलय कंप्लीट है, कोई मर्जर का सवाल नहीं, इंटेग्रेशन कोई सवाल नहीं, ये विलय हो गया है, हम किसी को नहीं आने देंगे इस रियासत में, इंडियन आर्मी इसलिए बैठी है और डोगरा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम नहीं आने देंगे सारे किसी। धन्यवाद सर।